हे दोस्तों, एक एक्सीडेंट की वजह से डेन एरियली की 70% बॉडी जल गई थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें 3 साल हॉस्पिटल में बिताने पड़े। उस 3 साल में जो बात ने उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम दी, वो था उनकी बॉडी से बैंडेज निकालने का प्रोसीजर। क्योंकि स्किन पे लगे हुए बैंडेज को निकालना अलग बात है, लेकिन बिना स्किन की बॉडी से बैंडेज निकालना एक बहुत पेनफुल चीज होती है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर दिन नर्स उनको दवा लगाती और फिर उनके बैंडेज निकालना स्टार्ट करती। वो उनके पैर से स्टार्ट करती और जल्दी जल्दी बैंडेज निकालते हुए उनके सर तक आ जाती, जिसमें पूरे 1 घंटे लग जाते थे। ये 1 घंटे डैन के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होते थे। वो नर्स से भीख मांगते थे और चिल्लाते थे कि नर्स कुछ अलग तरीका ट्राई करे जिससे उन्हें कम दर्द हो, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती थी और बोलती थी कि उसे पता है दैट ये तरीका ही सबसे सही है और डैन को बस चुप रहकर सबर करना चाहिए। ऐसे ही 3 साल खत्म होने के बाद डैन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहां उन्हें चांस मिला कि वो एक्सपेरिमेंट्स करके अपने उस क्वेश्चन का आंसर पता कर सके, जो ये था कि अगर हमें पेशेंट्स को इलाज के लिए या किसी को भी नेगेटिव एक्सपीरियंस देना है, जैसे कि पेन, तो उसका सबसे सही तरीका क्या होगा। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद उन्हें पता चला कि नर्स का बैंडेज निकालने का तरीका एकदम गलत था। उन्हें कम तकलीफ होती अगर नर्स उनके सर से बैंडेज निकालना स्टार्ट करती, जो कि सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, और एंड पैर पे करती, डिक्रीजिंग ट्रेंड में। और अच्छा होता अगर वो स्लो बैंडेज निकालती ज्यादा टाइम लेके, और उन्हें बीच में ब्रेक्स भी देती। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि नर्सेस की नीयत खराब थी और वो जानबूझ के सबसे खराब तरीके से बैंडेज निकालना चाहती थी, बल्कि इसका रीजन था उन नर्सेस के कुछ बैड डिसीजंस। और यही बात डैन को बहुत परेशान करने वाली लगी, क्योंकि अगर नर्सेस इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए अपने इतने साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज होने के बाद भी ऐसे गलत डिसीजंस लेती रहती हैं, तो फिर और दूसरे प्रोफेशनल्स और हम नॉर्मल इंसान कितने गलत डिसीजंस लेते होंगे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। इसीलिए डैन ने इस टॉपिक के बारे में डीप स्टडी करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें कई ऐसे ह्यूमन इरेशनल बिहेवियर का पता चला जो प्रेडिक्टेबल है, मतलब जो हम रेगुलरली करते रहते हैं और जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। आज मैं उनकी ही बुक से ली हुई कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। एक दिन डैन इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे थे, तो उन्हें एक मैगजीन का एड दिखा जो कुछ ऐसा था। पहला ऑप्शन, इंटरनेट ओनली सब्सक्रिप्शन $59 में। दूसरा, प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन $125 में। और तीसरा, प्रिंट प्लस इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, वो भी $125 में। ये तीसरा ऑप्शन पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि वो सेकंड ऑप्शन कितना यूजलेस है, और मैगजीन वालों ने वो रखा भी क्यों है, कोई इतना स्टूपिड तो होगा नहीं जो सेकंड ऑप्शन चूज करेगा। बट उन्हें ये भी पता था कि एडवर्टाइजिंग वाले भी स्टूपिड नहीं है, जो उन्होंने ये बस ऐसे ही किया होगा। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को ये एड दिखाया और कोई एक ऑप्शन चूज करने बोला, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 16 स्टूडेंट्स ने पहला ऑप्शन लिया, दूसरा ऑप्शन एक जन ने भी नहीं लिया, और तीसरा ऑप्शन 84 लोगों ने लिया। ये कुछ वैसा ही था जैसा ऑथर एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब क्योंकि सेकेंड ऑप्शन किसी ने चूज नहीं किया था, उन्होंने एक और बार ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार उन्होंने सेकेंड ऑप्शन निकाल दिया, जिसके रिजल्ट कुछ ऐसे आए। इस बार 68 लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन लिया और सेकेंड ऑप्शन बस 32 लोगों ने लिया। अब इस अलग रिजल्ट्स का रीजन क्या था? इसका रीजन था उस सेकेंड यूजलेस ऑप्शन का ना होना, जिसे इकोनॉमिस्ट लोग डिकॉय कहते हैं, जो हमें उस थर्ड ऑप्शन को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प करता है। हम इंसानों को चीजें कंपेयर करने की आदत होती है। हम अपने मार्क्स दूसरों के मार्क्स से कंपेयर करते हैं, अपना घर, अपनी सैलरी और ऑलमोस्ट हर चीज हम कंपेयर करते हैं। अब ये कंपेयर करना कभी कभी सही भी होता है, पर बहुत बार हम इससे गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। इसका एक विजुअल एग्जांपल दूं तो, अगर मैं पूछूं इन दोनों ऑरेंज सर्कल में से कौन सा वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है और कौन सा छोटा, तो कोई भी नॉर्मल इंसान को वो लेफ्ट साइड वाला सर्कल ही बड़ा लगेगा और राइट साइड वाला छोटा, जबकि एक्चुअल में उन दोनों ऑरेंज सर्कल की साइज एकदम सेम है। लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि उसके बाजू के जो सर्कल्स है वो कंपैरिजन में छोटे हैं। अब वापस उस एड पे आते हैं। एक नॉर्मल इंसान को ये नहीं पता होता कि मैगजीन का प्राइस कितना होना चाहिए, सो जब वो पहला ऑप्शन दिखता है तो उसे वो ठीक लगता है, फिर जब वो सेकेंड ऑप्शन दिखता है तो उसे वो एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन फिर जब वो थर्ड ऑप्शन दिखता है तो उन्हें वो सेकेंड ऑप्शन के कंपैरिजन में बहुत सस्ता लगता है,
जिसकी वजह से फिर ज्यादातर लोग ये थर्ड ऑप्शन ही चूज कर लेते हैं, जबकि उनका काम फर्स्ट ऑप्शन से भी हो सकता था। प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। एक एक्सपेरिमेंट में डैन अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 3 असाइनमेंट्स देते हैं, जिसको अगर वो टाइम पे सबमिट करेंगे तो उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, जिससे उनके फाइनल ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। पर अगर वो उसमें लेट करेंगे तो डैन उनके मार्क्स कट करते जाएंगे, जिससे उनके फाइनल ग्रेड्स भी कम होंगे। वो ऐसे असाइनमेंट्स 3 अलग अलग क्लास को देते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जिसमें से क्लास ए के स्टूडेंट्स को वो अपने आप से कोई भी 3 डेडलाइन सिलेक्ट करने बोलते हैं। क्लास बी को वो कोई भी डेडलाइन नहीं देते और बस सेमेस्टर के आखिरी लेक्चर में 3 असाइनमेंट सबमिट करने बोलते हैं। और लास्ट में क्लास सी को डैन खुद से 3 डेडलाइंस देते हैं। अब इसका आउटकम कुछ ऐसा निकलता है कि 3 क्लास में से क्लास सी के स्टूडेंट सबसे टाइम पे सबमिशंस करते हैं, जिससे उनको सबसे अच्छे ग्रेड्स भी मिलते हैं, और फिर उसके बाद क्लास ए के स्टूडेंट्स को, और सबसे खराब और लेट इसमें क्लास बी के स्टूडेंट्स करते हैं, जिन्हें कोई भी डेडलाइन नहीं दी होती। यहां ये रिजल्ट्स पार्किंसन के लॉ को प्रूफ करते हैं, जो कहता है कि हम कोई भी काम खत्म करने के लिए उतना ही टाइम लेते हैं जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है। मतलब एक सिंपल सा काम खत्म करने के लिए चाहे हमें 1 हफ्ते मिले चाहे 2 हफ्ते, हम उस टाइम को और काम को एक साथ ही खत्म करेंगे। इसीलिए सबसे पहली चीज जो हमें यहां सीखने मिलती है वो ये है कि कोई भी काम खत्म करने के लिए हमारा अपने आप को एक डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, और अगर हम वो डेडलाइन पे काम खत्म नहीं करते तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी पेनल्टी रखनी चाहिए। जैसे कि काम टाइम पर ना होने पर या जिम ना जाने पर आपको अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी ट्रीट देनी पड़े, या कुछ भी ऐसा जिससे बचने के लिए आप काम को खत्म कर ही दोगे। द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स। समझो आप कहीं जा रहे हो और तभी आपको एक आदमी मिलता है जो आपको एक भारी सामान देता है और उसे दूर खड़ी अपनी कार में रखने के लिए बोलता है। आप उनकी मदद करने का सोच के उनसे सामान ले लेते हो और उसे कार में जाके रख देते हो। अब वो आदमी अगर आपको थैंक यू बोलने के बजाय आपको आपके काम के लिए 10 रुपए निकाल के देने लगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये चीज आपको गुस्सा दिला देगी, और बहुत से लोग तो शायद उसे बहुत कुछ सुना भी देंगे। ऐसा होगा क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के नॉर्म्स चलते हैं, पहला सोशल नॉर्म और दूसरा मार्केट नॉर्म। सोशल नॉर्म मतलब वो चीजें जो हम इंसानियत के हिसाब से करते हैं और जिसके बदले हम पैसे या रिटर्न में फेवर नहीं चाहते। दूसरी तरफ मार्केट नॉर्म्स वो होते हैं जिसमें हम चीजें मार्केट के हिसाब से पैसे लेकर या रिटर्न में कुछ फायदा मिलने के लिए करते हैं। ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं जिसे ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, जैसा वो आदमी 10 रुपए देकर कर रहा था। अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके प्रैक्टिकल यूज भी बहुत होते हैं। जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट में ऑथर ने कुछ लॉयर्स को मार्केट में मिलने वाले पैसों से कम पैसों में गरीब लोगों के लिए केस लड़ने के लिए कहा, तब ऑलमोस्ट सबने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद फिर उन्होंने कुछ लॉयर्स को फ्री में केस लड़ने के लिए कहा, बस लोगों का भला करने के लिए, चैरिटी समझ के। तब सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट सबने उन्हें हाँ बोला। सो टू कंक्लूड, अगर आपको किसी से कुछ काम कराना है तो आपको या तो उन्हें मार्केट के हिसाब से पैसे देके उनसे काम कराना चाहिए, या तो आपको बस सोशल नॉर्म का यूज करना चाहिए, लेकिन कभी भी दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, वरना आपको अच्छे आउटकम्स नहीं मिलेंगे। और एक और बात याद रखो कि सोशल नॉर्म्स बहुत बार मार्केट नॉर्म से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको प्रेडिक्टेबल इरेशनैलिटी बाय डेन इरियली से बताई है। ये बुक सिखाती है अलग अलग बातें जो हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अगर आप इस बुक की सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सेटिंग्स में जाके अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दे, और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे, कमेंट करें अपने व्यूज इस टॉपिक को लेकर, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।